हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है व्हाई आई किल्ड गांधी जी और जिसके राइटर हैं नाथूराम गाडसे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। परिचय। नाथूराम गोडसे, ये नाम तो सबने बहुत सुना है, लेकिन नाथूराम गोडसे हैं कौन और क्या वजह थी कि उसने गांधी जी जैसे नेता को मारा? उसके रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज क्या थे? क्या कभी गोडसे को अपने किए का पछतावा हुआ था? आपके मन में भी ये सारे सवाल उठे होंगे, तो आइए हम बताते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब आपको इस समरी में मिलेंगे। इस समरी में आप वो लास्ट स्टेटमेंट भी सुनेंगे जो गाडसे ने अपने डेथ सेंटेंस से पहले दिया था, जो उसने 5 मई सन 1949 को पंजाब हाईकोर्ट में दिया था। 30 जनवरी सन 1948 में गाडसे ने गांधी को गोली मारी थी और इसके अगले ही साल फरवरी में उसका कोर्ट ट्रायल शुरू हो गया था। गाडसे और उसके कैंप ने पंजाब हाईकोर्ट के सामने माफी की अपील रखी थी, लेकिन अपील रिजेक्ट कर दी गई। कोर्ट ने उसे डेथ बाय हैंगिंग यानी फांसी की सजा सुनाई थी और इस समरी में उसके कुछ आखिरी शब्दों को समेटा गया है। मैंने गांधी को क्यों मारा? मैं एक रिलीजियस ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था। बचपन से ही मुझे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के इतिहास और कल्चर की सीख मिली थी, लेकिन मैं खुद को एक फ्री थिंकर मानता था। हालांकि हिंदुज्म में मेरा गहरा यकीन था, बड़े होने पर मैंने RSS ज्वाइन किया और एंटी कास्ट मूवमेंट से जुड़ गया था। मैं छुआछूत को खत्म करना चाहता था। मेरा मानना था कि हिंदुओं को उनके जन्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। मेरा मानना था कि सारे हिंदू इक्वल हैं, इसलिए आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कोई जात छोटी या बड़ी नहीं है। मैं एंटी कास्ट डिनर्स और मीटिंग अटेंड करता था। हर जात के लोग इन मीटिंग्स में हिस्सा लेते थे। भंगी, चमार, वैश्य, छात्री और ब्राह्मण कास्ट के लोग एक साथ मिलकर खाना खाते थे। मैंने एंशियंट और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी थी। मैंने गोखले, तिलक, रावण, चाणक्य और विवेकानंद जैसे कई महान लोगों की किताबें भी पढ़ी थी और मैंने अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का क्लासिक लिटरेचर भी स्टडी किया है। मार्क्सिज्म में और सोशलिज्म में मेरा इंटरेस्ट रहा है। सबसे बढ़कर मुझे वीर सावरकर और गांधी जी की टेक्निक्स इंस्पायर करती है और मुझे लगता है कि इन दोनों महान लोगों ने बीते 30 में मुझे और मेरे जैसे कई करोड़ भारतीयों को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। इनके आइडियाज हमारे देश के करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में गहराई से बस चुके हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा उससे मुझे लगता है कि मुझे हिंदू धर्म और अपने हिंदू भाइयों और बहनों की सेवा करनी चाहिए। हम सब मिलकर 300 मिलियन हिंदू हैं। हम इस दुनिया की 1/5 आबादी में आते हैं और इसलिए मेरा मानना है कि सभी हिंदू लोगों की भलाई और हिफाजत के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मैंने खुद अपना जीवन हिंदू संगठन आइडियोलॉजी को समर्पित कर दिया है। मेरे एक ही लक्ष्य हैं और वो है अपने मदरलैंड, अपनी माँ भारती की आज़ादी को बचाए रखना, और मुझे लगता है कि इंसानियत को बचाने का यही एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी में सन 1920 में गांधी जी का दबदबा काफ़ी बढ़ गया था। जब लोकमान्य तिलक का देहांत हुआ, उस वक्त कांग्रेस पार्टी और पूरे देश में गांधी जी का इन्फ्लुएंस था। उनकी पब्लिक एक्टिविटीज़ ने उन्हें एक ग्रेट लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया था। लोग उन्हें बहुत मानते थे। सत्य और अहिंसा के बारे में कही गई उनकी बातों ने आम जनता पर एक गहरा असर किया था। दिन पे दिन उनके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे। गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा की बात की थी उससे हर कोई एग्री करता था। हालांकि इस सत्य और अहिंसा के बारे में लोग पहले भी जानते थे, लेकिन ये सब सिर्फ किताबें बातें थी। मैं नहीं मानता कि एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को जरा भी अहमियत देता होगा। बल्कि सच तो ये है कि बात अगर खुद की या अपने परिवार की हो तो इंसान किसी और को तकलीफ देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। तो इसमें गलत भी क्या है? हर कोई पहले खुद का भला सोचता है, फिर दूसरे का। अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो उसका जवाब देना ही होगा। रामायण में राम ने सीता को बचाने के लिए रावण को मारा था। महाभारत में कृष्ण ने कंस का वध किया था। अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मारा था क्योंकि वो उसके दुश्मन के साथ खड़े थे। अगर गांधी जी के हिसाब से राम, कृष्ण और अर्जुन गलत थे तो इसका मतलब कि वो इंसान की काबिलियत पर शक कर रहे हैं। अब हिस्ट्री को ही देख लो। अफजल खान
हिंदुस्तान में मुस्लिम राज स्थापित करना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होने दिया। अगर शिवाजी पूरी ताकत से उसका मुकाबला नहीं करते तो शायद खुद अफजल के हाथों मारे जाते। लेकिन गांधी जी, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका मानना है कि इन ग्रेट फाइटर्स को वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था, लेकिन मैं तो गांधी जी को वायलेंट समझता हूँ, जो खुद एक पैसिफिस्ट हैं। सच और अहिंसा के नाम पर उन्होंने इस देश को मुसीबत में डाला है। हर हिंदुस्तानी को शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे महानायकों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि असल में इन्हीं लोगों की वजह से ही हमें आज़ादी मिली है। पिछले 32 सालों से गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं, खासकर उनका प्रो मुस्लिम फास्टिंग, ये मुझे इस बात का यकीन दिलाता है कि उन्हें तुरंत पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। अफ्रीका में उन्होंने सारे हिंदुस्तानी दोस्तों के लिए जो कुछ भी किया उसकी मैं तारीफ करता हूँ। वहाँ की हिंदू कम्युनिटी के लोगों की कंडीशन इम्प्रूव करने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उनके इंडिया लौटने के बाद से हमारे देश में काफ़ी कुछ बदल चुका है। मुझे लगता है कि गांधी जी शायद ये समझते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इस बात का फैसला सिर्फ वो कर सकते हैं। अगर लोग उन्हें लीडर मानने से इनकार कर दे तो वो कांग्रेस छोड़कर अपने रास्ते चले जाएंगे। हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत ही क्या है। उन्होंने कांग्रेस को दो च्वाइस दी, या तो उनके हिसाब से चलो और उनका पागलपन, उनकी जिद और सनक झेलो, या फिर उनके बिना कांग्रेस पार्टी चलाओ। गांधी जी को लगता है वो हर किसी के और हर चीज़ का फैसला अकेले कर सकते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के पीछे उन्हीं का दिमाग है। उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनकी जैसा काम कोई नहीं कर सकता और सब लोग उन्हीं के कहने पर चलते हैं। उनका मूवमेंट चाहे फेल हो या सक्सेस हो, देश को तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर उन्हें भला क्या फर्क पड़ने वाला है। वो तो बस यही बोलेंगे, सत्याग्रह कभी फेल नहीं हो सकता। लोग उन्हें संत समझते हैं, इसीलिए उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। उनके ऊंचे विचारों और सादगी की वजह से लोग उन्हें पता नहीं क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। गांधी एक के बाद एक गलती करते रहे, उनके लिए फैसलों ने इस देश के फ्यूचर को खतरे में डाला है। एक बार नहीं बल्कि कई बार, इसमें जरा भी शक नहीं है कि वो एक प्रो मुस्लिम लीडर हैं। ये बात उन्होंने तब जाहिर कर दी थी जब उन्होंने हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की सिफारिश की थी, जबकि असल में तो हिंदी भाषा ही हमारी नेशनल लैंग्वेज होने का हक रखती है। शुरुआत में गांधी ने भी हिंदी को सपोर्ट किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि मुस्लिम इस बात का बुरा मान सकते हैं तो वो खुद को हिंदुस्तानी भाषा का चैंपियन बताने लगे। और ये बात तो हर इंडियन जानता है कि असल में ऐसी कोई भाषा है ही नहीं, ना तो हिंदुस्तानी की कोई वोकैबुलरी है और ना कोई ग्रामर। ये सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। ये बेहुदा सी बोली है जिसमें हिंदी और उर्दू मिक्स है। खुद को मुसलमानों का सगा दिखाने के लिए गांधी ने हिंदुस्तानी को प्रमोट किया और उनके चाहने वालों ने, चमचे ने भी। अगस्त 1946 की शुरुआत से ही मुस्लिम लीग और इसका प्राइवेट आर्मीज ने कई सारे हिंदुओं को मारा। उस टाइम के वायसराय लॉर्ड वावेल मजबूर हो गए थे रेप, मर्डर और लूटमार की वारदातों को रोकने के लिए। वो अपनी पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूज नहीं कर पा रहे थे। बंगाल से लेकर कराची तक हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था, उन्हें बेरहमी से कत्ले आम किया जा रहा था, औरतों के साथ बलात्कार हो रहे थे। मुस्लिम लीग ने उस वक्त के इंटरिम गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन मुस्लिम ने जिस तरह से हिंदुओं के साथ गद्दारी और दोगलापन किया था, उतना ही गांधी ने उन्हें सपोर्ट किया। लॉर्ड वावेल को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो चली थी। उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन आया, मतलब कि नागनाथ गए तो सांपनाथ आए। इंडियन कांग्रेस के गले में फंदा था, मरते क्या न करते। कांग्रेस ने चुपचाप जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान को मंजूरी दे दी। ये वही कांग्रेसी थे जो हमेशा नेशनलिज्म और सोशलिज्म की बातें करते थे। ये देश की बदकिस्मती ही कही जाएगी कि देश दो टुकड़ों में बट गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया का एक तिहाई हिस्सा हमेशा के लिए दूर हो गया था। कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन की तारीफों के पुल बांध दिए और कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में लॉर्ड माउंटबेटन जैसा महान गवर्नर, जनरल और वायसराय आज तक नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसका खामियाजा तो आखिर देश को बंटवारे करके चुकाना पड़ा। 30 सालों की तानाशाही के बाद गांधी ने आखिरकार ये हासिल किया कि उन्होंने पाकिस्तान बनने दिया और कांग्रेस इसे पावर और फ्रीडम का पीसफुल ट्रांसफर बोलती है। यहाँ तक इस फैसले को नेहरू ने भी मंजूरी दे दी, जिसे वो कुर्बानी से हासिल की गई आज़ादी बोलते हैं। लेकिन कुर्बानी दी किसने? गांधी ने, उस आदमी ने जिसे हम पूछते हैं, भगवान मानते हैं। उसी ने भारत के टुकड़े किए और मेरे अंदर जो नफरत और गुस्से की आग उबल रही है उसी में चाहकर भी रोक नहीं सकता।
गांधी ने आमरण अनशन किया क्योंकि उसकी डिमांड थी कि हिंदू रिफ्यूजी दिल्ली की मस्जिदों को छोड़ दे। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अटैक हुआ तो गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। तब क्यों उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट नहीं किया? क्योंकि उन्होंने गुनहगारों को सजा देने की मांग नहीं की, क्योंकि वो मुस्लिम थे। क्योंकि गांधी को अच्छे से मालूम है कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो भूख हड़ताल से अपनी जान ही क्यों ना दे दे। वो हिंदुओं पर फिर भी हमला बोलते रहेंगे। उन्हें ये मालूम है कि जिन्ना या मुस्लिम लीग को उनकी फास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि वो एक फादर के तौर पर अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए। सच तो यह है कि उन्होंने देश के टुकड़े करवा कर भारत माता के साथ गद्दारी की है। गांधी फादर ऑफ इंडिया नहीं है, फादर ऑफ पाकिस्तान है। गांधी की स्पिरिचुअल पावर, उनकी इनर वॉइस, उनका अहिंसा के सिद्धांत सब जिन्ना के पैरों तले कुचले गए। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये सब पढ़ने के बाद मुझसे नफरत करेंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि गांधी को मारते ही मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि गांधी के बिना इंडियन पॉलिटिक्स और ज्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल होगी। हमारे देश को आखिर में आर्ड फोर्सेस ही डिफेंड करेगी। मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं एक कीमत चुकाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इंडिया को पाकिस्तान से बचाना चाहता हूँ। लोग शायद सोचे कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यही है कि हमारा देश रीजन के साथ और प्रैक्टिकल फैसले लेकर आगे बढ़े। क्योंकि मेरे हिसाब से एक स्ट्रांग नेशन बनाने के लिए ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। मैंने ये सोल्यूशन खुद निकाला है। मैं अपने एक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं जिस बात पे यकीन रखता हूँ मैंने उसे जी जान से पूरा किया। 30 जनवरी 1948 को उस दिन बिरला हाउस में गांधी पर मैंने ही गोली चलाई थी। मेरे निशाने पे वो इंसान था जिसके उसूलों और कारनामों ने देश के करोड़ों हिंदुओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत गांधी को उसके किए की सजा मिले, इसलिए काम मैंने अपने हाथ में ले लिया। मैं गवर्नमेंट में किसी एक पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मुझे इस पर पूरे इंस्टीट्यूशन पर ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस की पॉलिसीज हमेशा एक तरफा रही है, और इन्होंने कभी भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम की तरफदारी की, और इसके पीछे भी गांधी का ही हाथ है, इसमें जरा भी शक नहीं। मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के भाषण और एक्शन एकदम बेबुनियादी हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान बनने की मंजूरी कैसे दे दी जो एक थियोक्रेटिक स्टेट है? क्योंकि गांधी के मुस्लिम प्रेम ने ही नेहरू के लिए रास्ता आसान कर दिया था। मैं आज कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल करता हूँ, और इसकी जो भी सजा मुझे मिलेगी मुझे मंजूर है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, और ना मैं किसी और से अपने लिए दया की उम्मीद करता हूँ। मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो किया ठीक किया। लोग चाहे मेरी कितनी भी बुराई करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे उम्मीद है कि इतिहास लिखने वाले ईमानदार लोग मेरे इस फैसले की तारीफ करेंगे और आने वाले कल में इसकी अहमियत को समझेंगे। निष्कर्ष: ये नाथूराम गाडसे की ऑटोबायोग्राफी थी जो आपने अभी सुनी। आपने असेंबली में सुना कि नाथूराम गाडसे मरने से पहले क्या मैसेज देना चाहते थे। गाडसे एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और एक डिवोटेड हिंदू थे। धर्म और राजनीति को लेकर उसमें अपने स्ट्रांग ओपिनियंस थे। तो आपको एक कातिल के अंदर झांकने का मौका मिला जो हिंदू धर्म को सबसे ऊपर मानता था। अभी आपके ऊपर है कि आप नाथूराम गाडसे के बारे में क्या सोचते हैं, उसने सही किया या गलत, इसका फैसला सिर्फ रीडर ही कर सकता है। क्या आप नॉन वायलेंस चूज करोगे, या उस चीज को जी जान से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे जो आपको सबसे प्यारी है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस व्हाई आई किल्ड गांधी बुक समरी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।